आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट से भी अच्छे मलाई कोफ्ता की रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और सिर्फ घर के ही सामान से आप ये टेस्टी रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लेंगे। आलूओं को उबालकर ठंडा करके इनका छिलका निकाल के अच्छे से ग्रेट कर लें। तो आलू को आप कद्दूकस करके ही लें कि जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और जितना हम आलू लेंगे उतना ही हम पनीर लेंगे। तो पनीर भी मैंने यहाँ पे 200 ग्राम लिया है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो ये ध्यान रखें कि आलू और पनीर का रेशो एक ही होना चाहिए। 6-7 मैंने काजू लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। और 5-6 यहाँ पे किशमिश ले लें, इनको भी काट के डाल दें। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल दें। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। काजू और किशमिश ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालेंगे। और मैदा डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। मैदा आपको इतना ही डालना है कि अच्छे से बाइंड हो जाए। बहुत ज़्यादा ये मिक्सचर गीला नहीं होना चाहिए और ना ही हार्ड होना चाहिए। तो मैदा डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इनके हम ऐसे राउंड बॉल्स बना लेंगे। और अगर आपको लगे कि अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से हमने बना लिए हैं, और अगर आपको लगे कि अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं तब आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल दें और उसके बाद ये ऐसे बना लें। तो आप चाहें तो ये गोल शेप में बना सकते हैं या आप इसको थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। उसके बाद इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे 2 बड़े चम्मच। तेल गरम हो जाने के बाद इसमें 1 तेज़पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी 1 इंच के करीब और 1 इसमें हम बड़ी इलायची डालेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़े से लहसुन और अदरक डाल देंगे। तो लहसुन मैंने यहाँ पे 10-12 लिए हैं और 1.5 इंच के करीब अदरक ले लें। हल्का सा इसको भून लेंगे और उसके बाद इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे और 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे। इनको डाल के हम थोड़ी देर तक भूनेंगे कि जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए और ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो प्याज में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो अब आप ये देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, साथ में यहाँ पर मैंने 10-12 काजू डाल दिए हैं। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। तो आपको इसको तब तक पकाना है जब तक ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो टमाटर भी मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं, तो आप 2 या 3 टमाटर डाल सकते हैं। और अब हम इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे कि जिससे टमाटर जल्दी गल जाएं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और गल गए हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे। तेल जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके ये कोफ्ते डालेंगे। एक साथ नहीं डालें, एक डालें, कुछ सेकंड्स के लिए रुकें, फिर दूसरा डालें। और थोड़ी देर तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं पलटेंगे। 1-2 मिनट के बाद अब हम इनको ऐसे हल्के हाथ से पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इनका डार्क कलर नहीं करना है, हल्के से जैसे ब्राउन हो जाए इतना ही हम इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम आप मीडियम रखें, हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करें। और जब ये कलर में ब्राउन हो जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तब हम इनको कढ़ाई में से निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के कोफ्ते भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमने सभी कोफ्तों को फ्राई कर लिया है और हमारा ये मसाला भी अब ठंडा हो गया है। इसमें से जो भी हमने साबुत मसाले डाले थे, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, इन सबको निकाल देंगे। अब इस मसाले को हम ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और एकदम अच्छे से हम इनको पीस लेंगे। तो पानी आपको नहीं डालना है, बिना पानी डाले हम ये देखिए ऐसे स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम एक बाउल में 1.5 छोटे चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें और 1 बड़ा चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे और इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। और उसके बाद इसमें हम 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे
और एक इसका हम ऐसे घोल तैयार करेंगे। तो पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और इस तरह हम एक घोल बना लेंगे। ऐसा करने से ये मसाले जलेंगे नहीं। और अब हम कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे और साथ में इसमें हम एक छोटा चम्मच बटर डाल देंगे। तो बटर को तेल के साथ डालेंगे तो बटर जलेगा नहीं। और जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तब जो हमने ये घोल बना के रखा हुआ था डाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप मसाले डालेंगे तो मसाले जलेंगे नहीं। फ्लेम को आप ऑफ़ कर दें या फिर एकदम लो रखें। और जैसे ही हल्का सा भून जाएगा तब हम इसमें जो हमने ये अपना मसाला पीस के रखा था डाल देंगे। और मसाला डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो फ्लेम अभी आप लो रखें कि जिससे मसाला जले नहीं। और जब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब आप फ्लेम को मीडियम कर दें। और मिलाने के बाद अब हम इसको ढककर थोड़ी देर तक के लिए पकाएंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि पहले से थोड़ा थिक हो गया है और अच्छे से पक गया है। तो हमने ऑलरेडी इन सबको पहले से ही पका रखा था तो बहुत ज़्यादा इनको नहीं पकाएंगे। और अब हम इसमें 1 से 1.25 कप के करीब थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे। तो पानी आप ध्यान रखें कि थोड़ा गुनगुना ही डालना है। अच्छे से हम मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। साथ में इसमें हम 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम इसको ढककर 1-2 मिनट के लिए और पका लेंगे कि जिससे इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाले का भी टेस्ट आ जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो ये ग्रेवी है बनके तैयार है। और अब हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे। तो आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और अगर फ्रेश क्रीम नहीं है तब आप जो घर में मलाई बनती है वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम मिला लेंगे और ये हमारी ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को अब हम ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए पहले हम ये कोफ्ते रखेंगे और कोफ्तों को हम पहले से ही डाल के नहीं रखेंगे और उसके बाद इसमें हम जो ये हमने ग्रेवी बनाई थी ये डाल देंगे। तो कोफ्तों को आप ग्रेवी में नहीं डालें और जब आप इनको सर्व करेंगे तभी हम ऐसे डालेंगे। तो पहले कोफ्ते रखेंगे उसके ऊपर फिर हम ये ग्रेवी डाल देंगे। अगर आप पहले से ही डाल देंगे और ये सॉफ्ट होते हैं तो ये बिल्कुल ही टूट जाएंगे और घुल जाएंगे। तो इसीलिए जब आप इनको सर्व करें तब आप ऐसे डालें। तो ये देखिए इस तरीके से हम इनके ऊपर ये ग्रेवी डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। थोड़ी सी हम इसको क्रीम से गार्निश कर लेंगे। तो आप इस तरीके से ये मलाई कोफ्ते बनाएंगे तो आपको ये बहुत टेस्टी लगेंगे और रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा आपको घर में बनाए हुए टेस्टी लगेंगे। तो ये ध्यान रखें कि आपको आलू और पनीर का रेशो बिल्कुल एक ही रखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और ट्राई करने के बाद अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।